हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए चार बड़े अपडेट लेकर आया हूं मैं। पहला बड़ा अपडेट है डीए और डीआर जुलाई 2024 के अनाउंसमेंट को लेकर के। आप सभी को पता है कि जुलाई 2024 से जो डीए और डीआर है वो 3% की बढ़ोतरी हो चुकी है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आंकड़े आ चुके हैं, फाइनली सरकार की तरफ से पब्लिश किए जा चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट की तरफ से। अब देखना ये बाकी है कि कब अनाउंसमेंट होगा, तो मैं इसके अनाउंसमेंट कब होगी मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरी बड़ी अपडेट है 18 मंथ्स के डीए और डीआर को अपडेट को लेकर के, डीए और डीआर के एजेस को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी खुशखबरी आ रही है 18 महीने के डीए और डीआर के अपडेट्स को लेकर के। तीसरी बड़ी अपडेट देने वाला हूँ मैं कम्यूटेशन पेंशन को लेकर के, पेंशन में कम्यूटेशन को लेकर के एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, पेंशनर्स के लिए एक बड़ी न्यूज है पेंशन कम्यूटेशन को लेकर के। उस पर भी जो आपके डाउट्स रहते हैं हमेशा, वो भी मैं आपको दूर करूंगा, साथ ही साथ डिटेल में बताऊंगा कि कम्यूटेशन में क्या क्या चीजें हो सकती हैं आगे आने वाले दिनों में, या क्या जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। और फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही, या बोल सकते हैं अपडेट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर्थ नंबर का जो अपडेट है 8वें वेतन आयोग को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंस सेक्रेटरी की तरफ से एक इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर आया है, जिसमें फाइनेंस सेक्रेटरी ने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें कर्मचारियों, पेंशन और फैमिली पेंशन के 8वें वेतन आयोग को लेकर के बड़ी खुशखबरी देखने को जल्द से जल्द मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, ये फाइनेंस सेक्रेटरी की तरफ से स्टेटमेंट एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू के दौरान जो बातें हुई उसको लेकर के हुई, वो भी हम सारी चीजें देखेंगे। पूरे वीडियो को बहुत ही डिटेल में हम बात करेंगे, इसलिए इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके। साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए घंटे के निशान को यानी बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आ पाएंगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। जल्दी से आपको हमारे चैनल के रिगार्डिंग एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। आप हमारे चैनल पर पेंशन, फैमिली पेंशन और कर्मचारियों के, पेंशनरी और कर्मचारियों के वेलफेयर से रिलेटेड हम न्यूज़ इन्फॉर्मेशन और सर्कुलर्स आपको समझाते हैं, साथ ही साथ दिखाते हैं, और जो आपको पेंशन से रिलेटेड जो आपकी समस्या होती है, जो प्रॉब्लम होती है, उसको सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश की जाती है। इसलिए अगर आपका भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, हम नेक्स्ट वीडियो में से लेकर के आपका जो भी डाउट्स होगा उसे सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। चलिए जल्दी से बड़ी खबर की तरफ लेकर चलते हैं जो कि निकल कर आ रही है जुलाई 2024 के अनाउंसमेंट को लेकर के, डीए डीआर में बढ़ोतरी को लेकर के। आप सभी को पता है कि जुलाई 2024 का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डेटा के अकॉर्डिंग 3% बढ़ोतरी हुई है। हालांकि बढ़ोतरी काफ़ी कम है क्योंकि यूजुअली 4% की बढ़ोतरी चल रही थी, लेकिन अब जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा आता है वो उसी के बेसिस पर आपका डीए और डीआर तय होता है, जैसे कि मैं अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी कई बार ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। अब इसके अलावा दूसरी जो इसमें है कि अब इसकी अनाउंसमेंट कब होगी, क्योंकि एक पेंशनर्स का कमेंट्स मेरे पास में आए थे कि अब जुलाई 2024 के डीए और डीआर की बढ़ोतरी जो हो चुकी है 3% की, इसका अनाउंसमेंट कब मिलेगी, साथ ही साथ कितना एरियर मिलेगा, तो वो हम उसकी बात करें तो आपको बता दूं मैं कि इसकी जो अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी वो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि सितंबर मंथ के, यानी इस मंथ के लास्ट में कभी भी एक कैबिनेट बैठक होगी जिसमें आपको जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के अनाउंसमेंट के साथ आपको जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 मंथ्स का आपको एरियर्स मिलने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं, और आपका डीए डीआर बढ़कर के 50% से बढ़कर के 53% हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं वहीं जुलाई 2025 के महंगाई भत्ते की, क्योंकि अब इस मंथ का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आंकड़ा भी है वो अभी हालांकि जारी नहीं किया गया है। अब ये पहले ऐसा होता था कि लास्ट वर्किंग डे में इसको पब्लिश कर दिया जाता था, लेकिन अब पता नहीं क्यों इसको हमेशा डिले हो रहा है और ऑल इंडिया कंज्यूमर इंडेक्स का जो डेटा है वो टाइम पर पब्लिश नहीं किया जा रहा है। तो उसके बहुत सारे रीजन्स होते हैं, वो रीजन्स भी बहुत वैलिड होते हैं, उसके चलते जो है इसका डेटा नहीं पब्लिश किया जा सकता है या नहीं किया जाता होगा। अब जल्दी से जल्दी इसका पब्लिश हो जाएगा तो आपको जुलाई 2024 के, सॉरी जनवरी 2025 के जो डीए डीआर है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं 18 मंथ्स के डीए डीआर को लेकर के। जैसे कि आप सभी को पता है जब से गवर्नमेंट ने और मैंने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि एकीकृत पेंशन स्कीम की घोषणा की है, उसके बाद से यूनियंस और फेडरेशन फिर से एक्टिव हो गई हैं 18 मंथ्स के डीए और डीआर के एरियर्स को दिलाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, 18 मंथ्स के डीए और डीआर का एरियर्स अगर आपको मिल जाता है तो उसमें यूनियंस की बहुत बड़ी अहम जो है हिस्सेदारी होगी, या बोल सकते हैं अहम रोल होगा, क्योंकि 18 मंथ्स के डीए डीआर के लिए यूनियंस और फेडरेशंस लगातार
इसके रिगार्डिंग में कई बार सरकार से मिल चुके हैं और इसमें सरकार से कई बार बातचीत भी हो चुकी है। हालांकि सरकार बिल्कुल पहले ही क्लियर बोल चुकी है कि इसके रिगार्डिंग 18 मंथ्स का DODR आपको नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस पर बहुत पहले ही सारी चीज़ें अपडेट कर दी थी कि इन सब चीज़ों पर बड़ा अपडेट देखने को मिला था, लेकिन गवर्नमेंट ने संसद में क्लियर ही बोल दिया था कि इसमें 18 मंथ्स का DODR पर नहीं मिल सकता है, क्योंकि इसके दौरान जब कोविड के टाइम पे इसको रोका गया था उसके बाद ये सब चीज़ें हो गई थी। उसके बाद में जो 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को कोविड में जब इसको रोका गया था, क्योंकि उस पर फाइनेंस पर काफ़ी ज़्यादा भार पड़ रहा था, लेकिन उसके बाद में जो है NCJCM की जो बैठक में इन सब चीज़ों के और वहाँ पर ये सारी चीज़ें बोली गई और बोला गया कि 18 मंथ्स का DODR इसमें दिया जाना चाहिए। तो बड़ी अपडेट निकल कर यही आ रही है कि 18 मंथ्स के DODR पर जल्द से जल्द इस पर कोई ना कोई फैसला फिर से लिया जा सकता है और इस पर 8वें वेतन आयोग पर ये सब सॉरी आपके 18 मंथ्स के DODR पर कोई एक पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो आप भी हमें अगर इस पर पॉजिटिव चीज़ देखने को है तो आप भी इसमें वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ आपके जो व्यूज़ हैं वो भी हमें बताएगा कि 18 मंथ्स का DODR आपको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। अब बात करते हैं कम्यूटेशन पेंशन की। आप सभी को पता है कि कम्यूटेशन पेंशन जो है कर्मचारी की जब रिटायरमेंट होता है तो उसकी अंतिम पेंशन का अंतिम या बोल सकते हैं वेतन का 50% या 10 महीने के औसत जो इमोल्यूमेंट्स होते हैं उसका 50% जो भी उससे अधिक होता है उसके आधार पर उसकी पेंशन की गणना की जाती है। अब सातवें वेतन आयोग में आपकी न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये, तो उस प्रकार से जब कर्मचारी को रिटायरमेंट होता है तो उसको ऑप्शन मिलता है कि वो अपने पेंशन को बेच सकता है। साथ ही साथ इस पेंशन के कम्यूटेशन को लेकर के क्या क्या और नियम है वो भी हम थोड़ा सा डिटेल में जान सकते हैं, क्योंकि जो कर्मचारी अपनी पूरी सर्विस करके या फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है वो अपनी पेंशन का 40% बिना मेडिकल परीक्षण के कम्यूटेशन कर सकते हैं। ये एक मुश्त भुगतान होता है और इसके अलावा उन्होंने कई सारी चीज़ों पर और भी सारी चीज़ कर सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, सभी को पता है कि इसकी फॉर्मूला है। अगर आप चाहते हैं कि मैं कम्यूटेशन पेंशन पर एक क्लियरली पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँ तो वो भी मैं आपको लेकर आ सकता हूँ। हालांकि जो थोड़ा सा जो आपको पता है कि इसमें जो सारी चीज़ें चल रही हैं कि आपका जो कम्यूटेशन है आपकी पेंशन से हर महीने कटौती होती रहती है और ये कटौती करने से 15 साल तक होती है। वास्तविक तारीख से 15 वर्ष की पूरी करने की तारीख को पेंशन की जो कम्यूटेशन वैल्यू है उसके बहाली के लिए पेंशन भोगी पेंशन संवितरण प्राधिकारी को आवेदन करने के इसके हकदार हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर इसमें कर्मचारियों की डेथ हो जाती है तो फैमिली पेंशन से कटौती नहीं होगी और पूरे परिवार को पेंशन मिलेगा। ये सब चीज़ें इसमें अपडेट होती हैं। अब साथ ही साथ इसमें है कि इसके जो समय है यानी कि 15 वर्ष है उसको कम करने की बात की जा रही थी और इसको लेकर के जल्द से जल्द कोई ना कोई अपडेट निकल कर आएगा और पेंशनर्स के हक में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब बात करते हैं 8th पे कमीशन की। जी हाँ दोस्तों, 8th पे कमीशन का इम्प्लीमेंटेशन जल्द से जल्द किया जा सकता है। अगर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और पेंशनर्स की जो एक सोर्सेस हैं उनके सोर्सेस माने तो फाइनेंस सेक्रेटरी ने कुछ दिनों पहले एक जो स्टेटमेंट दिया था एक न्यूज़ चैनल में उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आप सामने स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं कि 8th पे कमीशन को लेकर के बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और पेंशनर्स और कर्मचारियों को काफ़ी दिन से जो चीज़ का इंतजार था 8वें वेतन आयोग पर वो जल्द से जल्द पूरा हो सकता है। साथ ही साथ उनकी पहली सैलरीज पेंशन और जो अलाउंसेस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और पेंशनर्स के उसको रिवाइज किया जाएगा। आप सभी को पता है कि फाइनेंस सेक्रेटरी ने एक सैटरडे को एक कैबिनेट सेक्रेटरी ने गवर्नमेंट के टेन्योर के 2 इयर्स होने के बाद में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली थी कि अभी 2 साल बचे हुए हैं और उन्हें साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली बिल्कुल चीज़ें बोली हैं। आफ्टर द यूनियन बजट फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन टोल्ड न्यूज चैनल दैट देयर इज अ टाइम फॉर पे पैनल फॉर कम इन टू इफेक्ट 8th पे कमीशन इज ड्यू ऑन 1 जुलाई 2026 वी आर करंटली इन 2024 ही सेट। यानी उन्होंने बोला कि अभी हम 2024 में 1 जनवरी 2026 को यह ड्यू है, उससे पहले ये पैनल अभी इसलिए प्रभाव में नहीं आ रहा है क्योंकि अभी थोड़ी सी टाइम जल्दी है और इस पर जब टाइम होगा यानी सही समय आएगा इस पर एक बैठक होगी और साथ ही साथ एक कमेटी बनाई जाएगी या एक पैनल बनाया जाएगा, उस पैनल के थ्रू सारी चीजें हो पाएंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं द गवर्नमेंट डिड नॉट मेक एनी अनाउंसमेंट रिलेटेड टू 8th पे कमीशन इन द बजट यूनियन फाइनेंशियल। आपने बताया 24-25 में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें थी जिनमें 8वें वेतन आयोग को लेकर के बात कही जा रही थी कि इसमें एक नया फॉर्मूला देखने को मिल सकता है। वो फॉर्मूला एक्यूरेट फॉर्मूला भी हो सकता था या और भी कई चीज़ें थी जैसे ऑटोमेटिक पे रिविजन उसके बेसिस पर या फिर आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर भी ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती थी, लेकिन अभी फिलहाल 8वें वेतन आयोग अब जल्द से जल्द इसमें गठन होने की ये संभावना है क्योंकि इस मंथ से ईयर के लास्ट तक एक कमेटी गठित की जा सकती है। क्योंकि 7वें वेतन आयोग के टाइम पर भी 2016 में
2016 में जब डीए जब सेवंथ पे कमीशन इंप्लीमेंट हुआ था तो 2014 में भी ऐसा हुआ था कि एक कमेटी गठित कर दी गई थी और उसके रिकमेंडेशंस के बेसिस पर सातवें वेतन आयोग गठित किया गया था। तो बहुत ज्यादा चांसेस थे कि आठवें वेतन आयोग का गठन भी 2024 के एक पैनल है या कमेटी है वो पहले बनाई जा सके। अब हमें कमेंट करके बताएगा कि आठवें वेतन आयोग पर आपकी क्या राय। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करेगा, इसको शेयर सभी के साथ करेगा। ऐसी न्यूज इन्फॉर्मेशन